Hey, hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth, Always Exposes Darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में कुछ ही समय के अंदर क्या घटित होने वाला है अवश्य, what definitely is going to happen within a short period of time. Unexpected situations को भी हम देखेंगे और हम यहाँ पे ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि उस सिचुएशन पे आपको क्या करने चाहिए, चाहे वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया सिचुएशन हो या कोई ऐसा थोड़ा सा डिस्टर्बिंग मोमेंट हो. ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यहाँ पे फिर से एक न्यू ओरेकल डेक को इंट्रोड्यूस किया है मैंने, तो उसको हम लास्ट में देखते हैं. आप जानते ही हो मैं डिफरेंट कार्ड्स और ओरेकल डेक्स को यूज करती हूँ ताकि मैं आपको सबसे ज्यादा क्लैरिटी दे पाऊँ. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइज. यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में क्या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, क्या वो डेफिनेटली रिसीव कर सकते हैं, वो उनके पास आ सकता है वो चीज़, वो मोमेंट, वो सिचुएशन, वो इंसान कौन है, क्या है जो उनके पास अवश्य आने वाले हैं. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. कौन है वो, कौन है वो सिचुएशन, क्या है वो सिचुएशन. ओके, वाओ, द फूल कार्ड, ग्रेट. मैं चाहती थी कि जीरो से स्टार्ट हो. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस की कार्ड, लवर्स, यहाँ पे आपके पास एम्परर, तीन मेजर अरकाना, चार मेजर अरकाना, 1, 2, 3, 4. सो मेजरली आपकी जिंदगी को इफेक्ट करेगा, ठीक है. देखो फिफ्थ मेजर अरकाना इज द लवर्स. आई लव दैट. टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स को भी मैंने लवर्स बता दिया है. सोचो, देखो, खुद देखो. सिक्स ऑफ वैंड स्टार्ट कहाँ से किया था, फूल से. कहाँ से कदम किया है, सिक्स ऑफ वैंड से, ठीक है. यहाँ से देख लेते हैं न्यू ओरेकल डेक से. यूनिवर्स ब्लेस मी. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज ब्लेस मी. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स. मर्सी, ओके. पीछे से एक छोटा सा बच्चा रोने की आवाज आया था. अपॉर्चुनिटी, बच्चे ही है यहाँ पे, ठीक है. ओके, लाफ्टर, पैशन, ओके. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फाइट, सिंप्लिसिटी. देखो यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे साइंस नजर में आ रहे हैं वो है एक्वेरियस, कुंभ राशि, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि. यहाँ पे है हाई प्रेस्टिस की कार्ड. ओके, सो पाइसेस, मीन राशि, जेमिनी, मिथुन राशि, यहाँ पे एम्परर है, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे है लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनुराशि. यहाँ पे फायर साइन भी है. ओके, एज वेल एज आई कैन फाइंड द साइंस ऑफ मर्करी आपके चार्ट में या किसी के चार्ट में बहुत ज़्यादा हैवी हो सकता है, ठीक है. बात ऐसा आता है कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आपके लाइफ में किस तरह से होगा. अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आपके लाइफ में इस तरह से होगा कि अचानक, ठीक है, आप कोई ऐसे जर्नी स्टार्ट करोगे अपनी लाइफ में बहुत ही जल्द. इट विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. मे बी अगर आप ऑनलाइन में स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप वीडियोस पब्लिश कर रहे हैं, मे बी आप अगर फॉलोअर्स देख रहे हैं या सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, मे बी यू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, इट डज नॉट मैटर. बट धीरे 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 आप ग्रो कर रहे हैं और लास्ट में जो फिनिशिंग टच मैं बोलती हूँ वो है सिक्स ऑफ वैंड्स. दैट इज योर ग्रोथ, योर प्रॉस्पेरिटी, योर सक्सेस. यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस, आप एक प्लेटफॉर्म को, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. आप जो है ना, आपके अंदर जो शक्ति है, ठीक है, आपके अंदर जो एक कामयाब होने का जज्बा है वो पूरी तरह से है. इस दौरान ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी, देखो मैं जो बोलती हूँ वो सत्य है, जो यहाँ पे हो रहा है सिचुएशन उसके हिसाब से मैं बोलूँगी. जो आपके साथ प्रॉमिसेस
देके भी भाग सकता है, कमिटमेंट देके भी भाग सकता है, वो भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, आपने शायद सोचा भी नहीं होगा, आपने शायद बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि उस तरह का सिचुएशन हो भी सकता है, बट उस तरह का सिचुएशन है, ठीक है। और आप धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर रहे हो, ठीक है। आप रिपीटेडली मंत्र चैटिंग कर रहे हो, या कहीं ना कहीं पे अंदर तक डिवाइन कॉन्शियसनेस, जो बोला जाता है कि दिव्य शक्ति का एहसास आपको धीरे धीरे हो रहा है, एंड डेफिनेटली यू आर मीटिंग द लव ऑफ योर लाइफ, जो आपकी जो जैसे बोला जाता है ना कि पापा अगर हमें कुछ प्रोमिसेस करते हैं, ठीक है, सो डेफिनेटली वो फुलफिल करने की 100 times कोशिश करते हैं, 100 times आवर फादर एंड आवर मदर विल ट्राई टू फिल अप आवर, यू कैन से दैट एक्सपेक्टेशन, ठीक है। चाहे उनके पास कैपेसिटी हो जितना भी हो, उनके बस में जो भी हो, वो हमें करने की कोशिश करते हैं, एंड वी शुड बी ग्रेटफुल ऑफ दैट। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है आपकी पेरेंट्स, आपके सोलमेट, आपके पार्टनर, जितना हो सके वो आपको सपोर्ट करने की 100 times कोशिश करेंगे, एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है इक्वालिटी जो आपको लगा था एक समय पे आपको नहीं मिला, ठीक है, आपको लगा कि ये जो इंसान है मेरे साथ ऐसा धोखा करके फरे भी करके चला तो गया, क्या वो खुश है, वो बिल्कुल खुश नहीं है। और आपको इन बदले में ऐसा कोई इंसान मिला जो आपके रंग में रंग गया, ठीक है, रंग में वो ऑफकोर्स आपके साथ पूरी तरह से सिचुएशन में कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। अगर अभी की दुनिया में आपको कोई कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है बिना एनी, ठीक है, कंडीशंस, विदाउट एनी कंडीशंस, इससे ज़्यादा किस्मत तो हो ही नहीं सकता। सम ऑफ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू अ वेरी रेनाउंड फैमिली, बहुत अच्छा सा, ठीक है, फैमिली में आपकी शादी होने वाली है, जहाँ पे उस फैमिली में उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है, काफ़ी स्ट्रांग हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होंगे, काफ़ी ज़्यादा नेम फेम रेपुटेशन उनका होगा। उस तरह से एक ऐसे साथी से आप मिलने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस हो, टैलेंटेड हो, ओके, एंड वेरी, यू कैन से दैट वेरी करेजियस, फियरलेस पर्सनैलिटी, जो आप धीरे 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 वैसा ही शायद आप चाहते थे ऐसा पार्टनर आपको मिले। या अगर आप मेल है तो बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी उनमें होगा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, गॉर्जियस स्किन विद वेरी मच ग्लोइंग स्किन, ठीक है, एंड आई डू फाइंड दोनों में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा। दिस विल नॉट बी अ जस्ट फिजिकल कनेक्शन, बट इट विल बी अ स्पिरिचुअल इंटीमेट कनेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो भी पिछला गलती है किसी का, शायद आप माफ़ कर दोगे और उसको जाने दोगे, ठीक है। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई एम फॉरगिवन, ठीक है, तो चलो लोगों को माफ़ कर दोगे आप। हो सकता है किसी का मार्कशीट पिटीशन आप खुद साइन करें, मे बी जैसे होता है ना कि बहुत बड़े बड़े लॉयर्स, बहुत बड़े बड़े अटॉर्नीज, बहुत बड़े बड़े जज, ठीक है, उस काबिल होते हैं कि वो मर्सी पिटीशन साइन करते हैं, ठीक है, मर्सी पिटीशन डालते भी हैं। सो यू विल ऑल्सो, अगर हम आपकी भी ग्रोथ करें देखें तो मुझे ये भी दिख रहा है आप अपने बच्चे को भी पाल रहे हैं, और जैसे होता है ना, यू आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, यू आर ऑल्सो, यू कैन से दैट आप अपना भी इम्प्रेशन लोगों के ऊपर जमा रहे हैं, ठीक है, एंड आप ऐसे भी इंसान बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे आपको मतलब उस काम के लिए ही जैसे बनाया गया हो, ठीक है, और आप उस काम के साथ, जैसे बोला जाता है ना कि ऐसा काम करो कि आपको वो काम काम ना लगे, वो जो काम है वो आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, ऐसा काम करो, ठीक है। अगर आप सिंगर हो तो सिंगिंग अगर आपकी जॉब है, अगर आपकी प्रोफेशन, यू आर अ प्रोफेशनल सिंगर, तो उसके धुन में आप जैसे कोई डिफरेंस ही ना रहे, हु इज़ द सिंगर एंड व्हाट इज़ दैट पर्सन सिंगिंग, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप पैशनेट हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड आप फील कर सकते हैं टू राइट समथिंग, टू स्पीक समथिंग, दैट्स वाई ऑन अ स्टेज, मे बी आप एंकर होंगे इन फ्यूचर, मे बी आप राइटर होंगे, मे बी जर्नलिस्ट, मे बी, ठीक है, लेक्चरर, प्रोफेसर, जो फाइल्स कैरी करते हैं, जो डेफिनेटली बहुत भारी भारी बुक्स कैरी करते हैं, राइट, लैपटॉप्स यू विल बी हैंडलिंग द
ताकि आप लोगों को लेक्चर दे पाए, ठीक है, ऑन अ कैसे ऑन अ पॉडकास्ट भी हो सकता है। आजकल के समय पे ऑनलाइन ई लर्निंग कोर्सेज जैसा निकला है, समझ रहे हो ना आप पूरी तरह से। यहाँ पे मुझे दिख रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो यू आर रीचिंग दैट लेवल, बट उसके लिए मैं एक चीज बोल रही हूँ, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। यू हैव टू फाइट अगेंस्ट टफ सिचुएशन। टफ सिचुएशन से जब तक आप फाइट नहीं कर सकते तब तक प्रॉब्लम है, आप इमोशनल इतना मत हो जाइएगा, ठीक है, और ओवर लॉजिकल भी मत हो जाइएगा। सो यू हैव टू मेंटेन द इक्वालिटी, ठीक है। दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स अगर इस ग्रुप में हैं, ठीक है, दे विल हैव एक्सीलेंट करियर अहेड, बहुत अच्छा होगा उनका अगर वो एजुकेशन को कंटिन्यू रखे, हायर एजुकेशन करे, इवन दे कैन रीच द डॉक्टरेट लेवल, इवन दे कैन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, दे कैन गो फॉर प्रैक्टिकल सेशंस, और वहाँ पे उनका जो स्पेशल एबिलिटीज है, ठीक है, वो दिखाई देगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नोटिस में आ जाएंगे कि आप बहुत ही गिने चुने स्टूडेंट्स हैं जो ऊपर तक पहुँच सकते हैं, हाई लेवल तक पहुँच सकते हैं। सो मे बी यू कैन बी सिलेक्टेड फॉर यू कैन से सच अ कोर्स जहाँ पे आपको कोई फीस ही ना लगे, ठीक है, इस तरह से, ओके। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे बच्चे का जो, जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपने फ्यूचर बच्चे के बहुत सारे नीड्स डिज़ायर्स फुलफिल करेंगे जो शायद आपने अपने जीवन में भी नहीं किया होगा, ठीक है, क्योंकि आप उनके लिए सेविंग्स करेंगे, आप उनके लिए डेफिनेटली कुछ मोटिवेशनल एक्सपर्ट बनेंगे, उनको आप सही राह दिखाएंगे ताकि वो सही राह पे चले और कुछ काबिल बन के दिखाएं। बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू चैलेंजेस, शायद आप सिंगल मदर है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सिंगल मदर है, सिंगल फादर भी है, ठीक है, और मुझे दिख रहा है कुछ लोग की शादी उस हालत में होंगे जहाँ पे आप सिंगल फादर है या सिंगल मदर है, कुछ लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, जहाँ पे आप एक परफेक्ट कंपेनियन की तलाश कर रहे थे, चाहे आप सिंगल है, चाहे आप अनमैरिड है, चाहे आप यू कैन से मैरिड, यू कैन से डिवोर्स्ड है, चाहे आप सेपरेटेड है अपने पर्सन से, सो यू आर गोइंग टू मीट अ पर्सन, ठीक है, जो लगभग आपकी सारी जो आइडियाज है उसको अप्रिशिएट करते हैं, ना कि डिसरिस्पेक्ट करते हैं। वो भूल जाओ वो समय जहाँ पे आपकी डिसरिस्पेक्ट हुआ करता था, बट अभी समय आ चुका है दैट यू आर डेफिनेटली गोना विन। मैंने आपको कहा कि आप जीतोगे ज़रूर। यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र है, यहाँ पे मघा नक्षत्र है, यहाँ पे है भरणी नक्षत्र, ठीक है, भरणी है, ज्येष्ठा है, ओके। वी डू हैव मघा ओवर हियर, मघा इज वेरी प्रोमिनेंट, और राइट, टुडे विंड इज ब्लोइंग लाइक एनीथिंग, हवा बहुत ज़्यादा बह रहा है, पवन, ओके, लाइक दैट, ओके। नाउ लेट मी गो फॉर द क्यूब्स, फिर हम देखेंगे वहाँ से कुछ चैनलाइज्ड मैसेजेस। ऑलराइट, सो देख लेते हैं कि अनएक्सपेक्टेड किससे आप मिलने वाले हैं। अब जिनसे भी मिलने वाले, अगर वो मेल है ना, बहुत ज़्यादा देखो, दे विल हैव ब्रॉड शोल्डर्स, दे विल हैव इंटेलिजेंट, दे विल बी एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। यहाँ पे देखो शार्प नोज, ओके, और शार्प लुक्स, यहाँ पे देखो, दे मे बी लविंग द कलर रेड, ओके, पर्पल कैन बी देयर फेवरेट। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, उनको ड्रेसेस फ्रॉक्स पहनना बहुत पसंद होगा, ठीक है। आप देख रहे हो सूरज, सूरज हुआ मध्यम, मैंने आपको ये कहा था कि आपका हायर एजुकेशन होगा, आप पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, उससे भी बाद डॉक्टरेट रिसर्च फील्ड कैन बी वेरी गुड फॉर यू, ओके। देखो जब तक आप कुछ चीज़ों में उस प्रॉपर डायरेक्शन को फॉलो ना करें तो आप उस डायरेक्शन में कभी नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप उस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे हो। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ, आप प्लीज़ समझिए, ठीक है, आप भटक मत जाइए रास्ते से, क्योंकि मुझे दिख रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ट्रेजर आपको मिल सकता है, ठीक है, किस तरह से हो सकता है वो ट्रेजर लोगों के लिए मैं भी छोटा हो,
बट आपके लिए वो बहुत बड़ा हो सकता है। ऐसा बोला जाता है ना, ट्रेजर मतलब क्या, खजाना। खजाना बहुत कुछ अमाउंट का हो सकता है, राइट। सो ज़रूरी नहीं है कि सबको 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ मिले, ठीक है। 1 लाख भी लोगों के लिए मैटर करता है, 10,000 भी लोगों के लिए मैटर कर सकता है, ठीक है। सो इट डज नॉट मैटर व्हाट इज़ द अमाउंट, बट येस सम अमाउंट इज़ गोइंग टू गेट ट्रांसफर टू यू। तो आपका डिफिकल्ट सिचुएशन धीरे धीरे ख़त्म होगा, आप चिंता मत करना। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ से। ओवरसीज ट्रैवल हो सकता है, चेयर, देखो एक पोजीशन, एक अथॉरिटी आपको मिलेगा, जहाँ पे आप सोचते थे कि सिर्फ मुझे ही ऑर्डर्स मिलते जाते हैं, मैं लोगों को ऑर्डर क्यों नहीं दे सकता, मैं लोगों को ऑर्डर क्यों नहीं दे सकती। यहाँ पे है ऑयल, हो सकता है ऑयल एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम कंपनीज में आपकी जॉब हो, इस तरह से हो सकता है। ऑर्गेनिक थिंग्स में भी आप इंटरेस्टेड है बिजनेस करने के लिए, और ठीक है, बस ज़्यादा ऑर्गेनिक, आजकल दाल चावल सब ऑर्गेनिक निकल रहा है। इमरजेंसी सिचुएशंस आ सकता है, जहाँ पे मैंने आपको कहा कि आपको जैसे होता है ना फ्लाइट का इमरजेंसी लैंडिंग, उस तरह से एन अननोन प्लेस में आप जा सकते हैं। देखो रिसीविंग फिनेंशियल असिस्टेंस, मैंने आपको बताया कि कुछ अमाउंट तो आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगा, हो सकता है फ्रॉम शेयर्स, फ्रॉम बॉन्ड्स। 1001 आप नंबर देख सकते हैं, पिंक फ्लावर्स आप देख सकते हैं। A book where you can find answers. A book where you can find answers. मुझे नहीं पता था ना कि यहाँ पे मिलेगा, All of a sudden ये निकला और ये मिला। और a book where you can find answers, मैं भी कुछ ऐसे बुक हो सकता है जहाँ पे आपको आपका सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। Okay? So this is all about today's reading. I hope you like it. And if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot. 6-word truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you so much.